नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पंवार, PSSM ब्लेसिंग परिवार, ऑडियो टीम डेरा बस्सी से टॉरकॉम सराय दरियन की किताब का आखिरी अध्याय, जिसका नाम है प्रेम और आनंद, इस ऑडियो नंबर 44 के जरिए शुरू कर रही हूँ। मूल रूप से तीन ऊर्जाएं होती हैं, जिन्हें जब समझदारी के साथ उपयोग किया जाए व्यक्ति को स्वस्थ, धनवान और रचनात्मक बनाती है। यह तीन ऊर्जाएं हैं प्रकाश, प्रेम और इच्छा। प्रकाश और इच्छा मिलकर आनंद उत्पन्न करते हैं। हर समय आपका प्रकाश और आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है, आप महान आनंद में प्रवेश करते हैं। एक एनलाइटेंड यानी प्रबुद्ध व्यक्ति हमेशा निरंतर आनंद में रहता है, क्योंकि वह वास्तविक आत्मज्ञान के समय अपनी प्रकृति में इच्छा शक्ति की ऊर्जा के संपर्क में आता है और इच्छा शक्ति का पहलू नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। आत्मज्ञान आनंद के क्षितिज का विस्तार करती है, इच्छा शक्ति आनंद को ठहराव देती है। एक आनंद में व्यक्ति जगमगाता है, उसका किसी भी स्तर पर कोई भी काम रचनात्मक होता है, क्योंकि उसकी रचनात्मकता की जड़ें आनंद के क्षेत्र तक फैली हुई हैं। आनंद जब प्रेम के साथ मिलता है, वो हीलिंग की ऊर्जा उत्पन्न करता है और आकर्षण की भी। एक आनंदमय और प्रेम करने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में रचनात्मक संभावनाएं आपके हृदय को खोलती हैं। आप चुंबकीय बन जाते हैं और उन सभी को आकर्षित करते हैं जो आपके लिए काम करेंगे, खुद की सफलता के लिए भी। आपका प्रेम और आनंद उन्हें प्रेरित करता है और चार्ज करता है, और वह अपना सबसे बेहतरीन देते हैं आनंद और प्रेम के स्तोत्र को बढ़ाने के लिए। लोग प्रेम और आनंद को ढूंढते हैं, और जब वह उसे खोज लेते हैं और कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता, वह सब कुछ बलिदान करने के लिए जो प्रेम और आनंद के स्तोत्र का समर्थन करने के लिए ज़रूरी है। प्रेम हमारा सार है। जब हम प्रेम करते हैं, हम अपना सार मुक्त करते हैं। टू लिव यानी जीने का मतलब है अपने सार को अभिव्यक्ति में लाना, मुक्ति में लाना। एकमात्र समय जो हम जीते हैं वो है जब हम प्रेम करते हैं और जब हमारे आंतरिक सार की अभिव्यक्ति होती है। हमारे जीवन का माप हमारे प्रेम का माप है। जितना ज़्यादा आप प्रेम करते हैं, उतना लंबा आप जीते हैं। अगर आप 95 साल तक जीते हैं, तब आप 95 साल तक नहीं जिए, पर केवल एक साल तक ही जिए, ज़्यादा नहीं। बाकी सब समय की बर्बादी थी। आप वास्तव में ऐसे व्यक्ति के टॉम्बस्टोन यानी समाधि के पत्थर पर लिख सकते हैं, यहाँ मिस्टर सो एंड सो लेटे हैं। वह 1885 में पैदा हुए थे और 1980 में चल बसे, पर वह केवल एक साल ही जिए। लोग बहुत हैरान होंगे, लेकिन बुरा ना माने, वह अंत में ये जानेंगे कि समय के हित के लिए जिया गया जीवन गिनती में नहीं आता। वह जीवन जो केवल दूसरों की सेवा के लिए जिया गया हो, गिनती में आता है। इस तरह का सेवा से भरा जीवन प्रेम और आनंद का जीवन है। प्रेम में आप अपने आवश्यक समय को मुक्त करते हैं। सघन और व्यक्तिगत जीवन, जीवन रचनात्मक है। वह केवल रचनात्मक विचारों, भावनाओं और कार्यों द्वारा ही प्रकट नहीं होता, पर दूसरों को भी रचनात्मक और रेडियो एक्टिव बनाता है। वास्तविक प्रेम के हर कार्य में और वास्तविक आनंद में आप अपने आंतरिक मूल को प्रकट कर रहे हैं। जब आपका सार कार्य कर रहा हो, अभिव्यक्ति में आप जीवित हैं। आप जीवित हैं जब आप प्रेम को व्यक्त करते हैं। आनंद और प्रेम हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से कार्य करती हैं, भौतिक, भावनात्मक और मानसिक स्तर पर। जब आनंद और प्रेम की ऊर्जा हमारे 5 इंद्रियों द्वारा भौतिक स्तर पर कार्य करती है, वह एक आनंद से भरा व्यक्ति बनाती है। उसकी सारी इंद्रियों द्वारा
वह ब्रह्मांड का आनंद लेता है। उसकी इंद्रियां अधिकतम क्षमता तक कार्य करती है और उसे वस्तुगत दुनिया का रोमांच संचारित करती है। यह आपका प्रेम और आनंद है जो विश्व को बदलता है जब आप अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा उससे संपर्क बनाते हैं। कुछ भी सुखद एवं आनंदमय नहीं लगता अगर प्रेम और आनंद की ऊर्जा 5 इंद्रियों में ना बह रही हो और इस दुनिया के 5 इंद्रियों के संपर्क में ना आए तो। जो कुछ भी आप सुनते हैं, छूते हैं, देखते हैं, स्वाद लेते हैं और सुनते हैं, वह आपकी खुशी और आनंद को संचारित करती है जब आप प्रेम और आनंद से भरपूर होते हैं। भावनात्मक स्तर पर प्रेम और आनंद की ऊर्जा आकांक्षा, परमानंद, उग्र भक्ति और उच्च मूल्यों के प्रति एकाग्रता का निर्माण करती है। मानसिक स्तर पर प्रेम और आनंद की ऊर्जा बड़े दृष्टिकोण, रचनात्मकता, प्रयासशील समझ, अंतर्दृष्टि, दूरदर्शिता, बनावटी धारणा और रचनात्मकता का निर्माण करती है। प्रेम और आनंद आपके मन को ऊर्जा देते हैं ताकि वह उच्चतर संपर्क के बड़े रहस्यों में घुल जाए और आपके सभी संपर्कों में आपकी स्वतंत्रता बनाए रखने की क्षमता रखें। दुनिया की समस्याएं प्रेम और आनंद की ऊर्जा से सुलझाई जा सकती हैं। यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में प्रेम और आनंद को लेकर आएं और सारे विश्व की समस्याएं अपना नियंत्रण खो देंगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। प्रेम और आनंद उच्चतर आयामों पर कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए अंतर्ज्ञान स्तर पर प्रेम और आनंद रहस्योद्घाटन यानी प्रकटीकरण का निर्माण करते हैं। जब आप कारणों और मूल योजना के संजाल को छूते हैं, सभी भारी घटनाएं सरल हो जाती हैं आपके प्रेम और आनंद से भरपूर दृष्टि में। आत्मिक स्तर में प्रेम और आनंद की ऊर्जा इच्छा की शक्ति, इच्छा की ऊर्जा में बदलती है, उत्साह, निडरता और कमान में बदलती है। मोनाडिक स्तर में प्रेम व्यक्ति को सोलर होल यानी सौर संपूर्ण के साथ एकीकृत करता है और आनंद रचनात्मक ऊर्जा के समान उतरती है। वह शुद्ध ऊर्जावान आत्मबोध के रूप में गिरती है और आनंद उच्चतर आयाम की दिव्य सुंदरता को प्रभावित करता है। दिव्य स्तर पर आनंद वह दरवाज़ा बनता है जिसमें से प्रकाश, प्रेम और ऊर्जा की ज्वाला ब्रह्मांड आयाम में पहुंच जाती है। प्रेम और आनंद किसी भी रचनात्मक और प्रगतिशील कार्य की नींव है। कोई भी वास्तविक और सच्चा आनंद नहीं है अगर वह आनंद प्रेम में रंगा हुआ नहीं है। प्रेम आनंद के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। प्रेम और आनंद की ऊर्जा है हीलिंग, सामंजस्य स्थापित करना, फैलना, चुंबकत्व का निर्माण, प्रकट होना, उत्थान और 7वां मजबूती। इसी के साथ यह ऑडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। प्रेम और आनंद की 7 ऊर्जाओं को हम विस्तार से अगले ऑडियो में जानेंगे। धन्यवाद।